नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंच गई, जिसकी जानकारी मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर दी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत पूरी दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अपने आप को ईमानदार सरकार बताने वाली दिल्ली सरकार पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया। इसलिए इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला जिस वजह से मनीष सिसोदिया के घर बजी खतरे की घंटी। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम पहुंची। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने एक साथ 3 ट्वीट किए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम करने से रोका जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपीकृष्ण के घर समेत दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर रेड की है। सीबीआई की कार्रवाई दिल्ली समेत 7 राज्यों में की गई है। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का रूल बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। साथ ही वो छत समेत किसी भी जगह शराब परोस सकते थे। इतना ही नहीं, नई आबकारी नीति को लेकर सबसे बड़ा आरोप ये है कि इसके जरिए कुछ खास वेंडरों को फायदा पहुँचाया गया था और दिल्ली सरकार ने अयोग्य कंपनियों को टेंडर जारी किया था। वहीं कोरोना काल में वेंडरों को 144 करोड़ रुपए टैक्स में छूट दी गई थी। सीबीआई की ये रेड दिल्ली सरकार की इसी एक्साइज पॉलिसी को लेकर हुई है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली की नई आबकारी नीतियों के खिलाफ सीबीआई जाँच की सिफारिश की थी। एलजी ने ये कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया था। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है, जिसके बाद से सिसोदिया कई सवालों के घेरे में आ गए हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या सिसोदिया पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। आपको बता दें कि आप नेता सत्येंद्र जैन पहले से ही सलाखों में हैं। ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बकायदा मनीष सिसोदिया का नाम है। एलजी ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी और अब सीबीआई एक्शन में है और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अपनी सफाई में मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। इस तरीके से मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। वहीं अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे, पहले भी कई जांच रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जब आबकारी नीति को लेकर एलजी और केजरीवाल के बीच घमासान चल रहा था, तब सीएम केजरीवाल ने आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया के फंसने का दावा किया था। वहीं सीबीआई जांच का समर्थन करते हुए बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया के घर चल रही सीबीआई की छापेमारी पर कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, कभी राजनीति में ना आने की बात करते थे, लेकिन आ गए और भ्रष्टाचार में भी शामिल हो गए। भ्रष्टाचारी चाहे जितने भी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। आज शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार का मामला है। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिस दिन सीबीआई को जांच सौंपी गई उसी दिन से शराब नीति वापस ले ली गई। मुद्दा ये है कि अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसे वापस क्यों लिया गया। फिलहाल मामले की पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन ये सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर सच में शराब नीति सही थी तो फिर उन्हें वापस क्यों लिया गया
और क्यों लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सीबीआई जांच का विरोध किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप भी इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज़ को।